सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन के द्वारा जीडीसी की बहुत ही ज़्यादा बंपर भर्ती निकाली गई है आज 1 अगस्त 2023 को। मैं बताना चाहता हूं कि बहुत ही ज़्यादा यहां पर बंपर भर्ती निकाली गई है जिसमें ट्रेन मैनेजर, गुड्स गार्ड और इसके बाद में जूनियर इंजीनियर, उसके बाद में टेक्नीशियन और साइक लोको पायलट की बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बंपर भर्ती निकाली गई है। अब तक के सभी जोनों से निकली उससे ज़्यादा यहाँ पर बंपर भर्ती निकली है। परंतु एक और मैं बात कहना चाहता हूँ कि रेगुलर कर्मचारी जीडीसी का फॉर्म अप्लाई कर सकता है, परंतु जो नए कर्मचारी आए मतलब 1 अगस्त 2021 के बाद में ज्वाइनिंग किए हैं वो कर्मचारी इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। 2 साल का इसमें पीरियड लगाया गया कि 2 साल की सर्विस होना जरूरी है, जिसकी 2 साल की सर्विस हो चुकी है वो वही कर्मचारी इसमें फॉर्म भर सकता है। पूरी डिटेल इस वीडियो में हम जानेंगे नोटिफिकेशन के बारे में। अब दोस्तों हम चलते हैं आगे। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर पूरी जानकारी जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जीडीसी जो 1/2023 और आज 1 अगस्त 2023 को निकाली गई है। अब इसमें देख सकते हो पब्लिकेशन कब किया गया है और यह सेंट्रल रेलवे ने 1 अगस्त 2023 को ओपनिंग डेट ये आप देख सकते हो 3 अगस्त 2023 से फॉर्म यहां पर चालू हो जाएंगे। एप्लीकेशन भरना जीडीसी का फॉर्म यहां पर भर सकते हो 3 अगस्त 2023 से और यहां पर फॉर्म भरने की लास्ट डेट आप 2 सितंबर 2023 तक रहेगी। आप यहां पर फॉर्म भर सकते हो 2 सितंबर 2023 तक। अब यहां पर आगे चलते हैं पूरी जानकारी के लिए। बहुत ही ज़्यादा यहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जनरल डिपार्टमेंट कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जीडीसी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सीआर मुंबई इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रेगुलर एंड एलिजिबल एम्प्लॉय मतलब आरपीएफ और आरपीसी आरपीएसएफ को छोड़कर सभी रेगुलर कर्मचारी इसमें फॉर्म भर सकते हैं और सभी पुराने कर्मचारी जिसकी 2 साल सर्विस हो चुकी है वही यहां पर जीडीसी का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसमें और भी मैं बताऊंगा कि यहां पर सबसे ज़्यादा बंपर भर्ती सेंट्रल रेलवे ने निकाली है, जिसमें से मैं बता दूँ आपको कि सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन के अंदर मुंबई डिवीजन, भुसावल, सोलापुर और पुणे जैसे बड़े बड़े डिवीजन आते हैं जिसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा यहाँ ग्रुप डी और ग्रुप सी के कर्मचारी कार्यरत हैं। उन लोगों को बहुत ही बड़ा ये मौका मिला है। इतनी वैकेंसी जीडीसी में शायद आने वाली नहीं है सेंट्रल रेलवे में। आगे चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हो डिटेल्स ऑफ वैकेंसी की। अब डिटेल ऑफ वैकेंसी क्या है, सबसे पहले साइक लोको पायलट और टेक्नीशियन की, तो यहाँ पर टेक्नीशियन की पहले दे रखी है। आप जानते हो कि टेक्नीशियन का जो लेवल होता है वो 2 होता है, मतलब 1900 ग्रेड में जॉइनिंग होता है। और इलेक्ट्रिकल की मैं पहले बता दूं कि पहली यह है जो यूआर की 12 सीट है और एससी की 4 सीट है, एसटी की 2 सीट है और ओबीसी की 8 सीट है, टोटल यहाँ पर 26 सीट है। दूसरे नंबर पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल टीआरडी, मतलब बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है। ये मुख्य मैं बताना चाहता हूँ कि आप देख सकते हो इसमें पूरी जानकारी है सभी विभाग के टेक्नीशियन की पदों के लिए। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मैं मानना चाहता हूँ कि 250 से अधिक यहाँ पर टेक्नीशियन की वैकेंसी निकली है। आप देख सकते हो जो आपका स्टैंडर्ड और मेडिकल और आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार फॉर्म भर सकते हो, जो 1800 ग्रेड का कर्मचारी हो या फिर दूसरी पोस्ट में 1900 ग्रेड का कर्मचारी भी इसमें भर सकते हो, पर सेम टू सेम ग्रेड और सेम टू सेम पोस्ट पर आप नहीं भर सकते। ग्रेड हो सकते हैं पर सेम टू सेम पोस्ट पर आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। नीचे देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर 24 नंबर पे जो साइक लोको पायलट यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल जो साइक लोको पायलट इलेक्ट्रिकल के लिए जगह निकाली है, जिसमें यूआर की 428 सीट है और यहाँ पर एसी की आप देख सकते हो 77 सीट है और एसटी की 64 सीट यहाँ पर है और ओबीसी की 140 सीट है, मतलब टोटल यहाँ पर आप देख सकते हो 709 सीट है। यहाँ साइक लोको पायलट की बहुत ही ज़्यादा भर्ती यहाँ पर जीडीसी के माध्यम से निकाली गई है, परंतु आपको आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड और आपकी क्वालिफिकेशन मतलब आपकी योग्यता के अनुसार यहाँ पर फॉर्म भरना है। यहाँ पर है अब मैकेनिक मतलब जो डीजल इंजन का जो लोको पायलट साइक लोको पायलट होगा उसके लिए यहाँ पर लेवल नंबर 2 है और यहाँ पर यूआर की 14 सीट है, एससी की 3 सीट है, एसटी की 3 सीट है और यहाँ पर ओबीसी की भी 3 सीट है, मतलब 23 सीट है यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा निकली है, 732 पोस्ट यहाँ पर निकली है। अब देखते हैं आगे जूनियर इंजीनियर की भी। अब जूनियर इंजीनियर की भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बंपर भर्ती निकली है। इसमें से आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा, जैसे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की ये लेवल नंबर 6 में आता है 4200 ग्रेड में। इलेक्ट्रिकल में यहाँ पर यूआर की 16 सीट है और यहाँ पर एसी की 3 सीट है और यहाँ पर एसटी की 1 सीट है और ओबीसी की 7 सीट है, मतलब टोटल 27 सीट हैं। इसी तरह से जेई इलेक्ट्रिकल जीएस का भी ये पर 9 सीट है। तो इसी तरह से आप बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जगह निकली। मैं बता दूँ कि पीवे में पीवे में सबसे ज़्यादा जगह निकली है, जो यूआर की 32 सीट है और एसी की 11 सीट है, एसटी की 5 सीट है और यहाँ पर ओबीसी की 15 सीट है, टोटल यहाँ पर 63 सीट है। इस तरह से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बंपर भर्ती निकली है जेई की।
तो आप ये बहुत ही ज़्यादा आप देख सकते हो इसके बारे में। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर निकली है जगह जो आप देख सकते हो। अब नीचे चलते हैं कि गुड्स गार्ड की, यहाँ पर गुड्स गार्ड की वैकेंसी कितनी है। ये लेवल नंबर 5 में आता है 2800 ग्रेड में, और यहाँ पर UR की 28 सीट है, SC की 8 सीट है, और यहाँ पर ST की 17 सीट है, OBC की 17 सीट है। तो यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी है वो 82 सीट है ट्रेन मैनेजर की। परंतु नीचे भी यहाँ पर अपन चलते हैं, नोट लिखा रहा है जो पहला है कि डिटेल ऑफ पोस्ट है ना, फार्म मास्टर क्वालिफिकेशन मेडिकल स्टैंडर्ड एंड द पोस्ट, मतलब अगर आपकी योग्यता और आपके मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार ही यहाँ पर आप नोटिफिकेशन के अनुसार जो दे रखा है उसमें ये पोस्ट इंक्लूड है, तो आप मेडिकल और स्टैंडर्ड और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अनुसार फॉर्म भर सकते हो। इसमें पूरी जानकारी दूसरा हम कह रखा है कि IRM जो चैप्टर 5 है उसके अनुसार आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए उस नियम के अनुसार। और अगर आपको पता नहीं है तो इस वेबसाइट पर जाकर IRMM चैप्टर 5 में देख सकते हो कि आपकी मेडिकल और किस विभाग में किसके लिए मेडिकल चाहिए, उसके अनुसार यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हो। नीचे आप देख सकते हो पूरी जानकारी यहाँ पर है। अब यहाँ पर ये ज़रूरी है, ये ध्यान रखे जो है दूसरा यहाँ पर ये देख सकते हो इसमें, तो ये बहुत ही आप ध्यान रखिए, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर जारी किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर तो कैंडिडेट शुड बी रेगुलर एम्प्लॉय, ये आप मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर देख सकते हो, कैंडिडेट शुड बी ए रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल रेलवे ऑन 1 अगस्त 2023 एंड अपॉइंटेड इन रेलवे ऑन और बिफोर 1 अगस्त 2021। मतलब अगर आप 1 अगस्त 2021 को जॉइनिंग हुई हो तो आपकी 1 अगस्त 2023 को 2 साल हो गए हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पर 1 अगस्त 2021 के बाद में आपने सेंट्रल रेलवे में किसी भी पद पर जॉइनिंग किया हो और आपका 2 साल पूर्ण नहीं हुआ हो 1 अगस्त 2023 तक, तो आप फॉर्म भर नहीं सकते। मतलब नए रेल कर्मचारी के लिए ये मौका नहीं है, जिसकी सर्विस 2 साल से पूर्ण हो चुकी है वही इस GDC में फॉर्म अप्लाई करेगा। तो सभी पुराने कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ा मौका सेंट्रल रेलवे ने दिया है। आगे इसमें पूरी जानकारी और नियम के अनुसार आप फॉर्म भरें, जो नोटिफिकेशन के निर्देश हैं, जो नोटिफिकेशन ने जो नियम कायदे बनाए हैं उसके अनुसार आप फॉर्म भरें। तो ये पूरी जानकारी यहाँ पर दे रखी है। इसी तरह से आगे बढ़ते जाते हैं तो एज लिमिट भी आप देख सकते हो कि इसमें एज लिमिट में भी आरक्षण दे रखा है, जिसमें से UR की 42 साल या 42 साल होना चाहिए, और यहाँ पर OBC की 45 साल होना चाहिए, और SST की 47 साल उम्र में आप फॉर्म भर सकते हो। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। नीचे सभी तरह की पूरी जानकारी यहाँ पर दे रखी है, तो इस जानकारी के अनुसार आप फॉर्म भरें। और ये जानकारी तो आपको पता है कि रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है उसके बाद में यहाँ पर पूरी जानकारी यहाँ पर दे रखी है, जो टेक्नीशियन और LAP की कि पार्ट जो पहला है वो 90 मिनट का होगा, 100 क्वेश्चन का होगा, और इसमें पार्ट 2 जो पार्ट ए में पास होगा वो ही दूसरे पार्ट में एग्जाम के लिए पूछेगा, तो ये सिलेबस इसमें दे रखा है। इसी तरह से पार्ट बी में भी 60 मिनट का पेपर होगा और 75 क्वेश्चन होंगे, और पार्ट बी में पास होने के लिए इसमें कोई आरक्षण नहीं चलेगा, कम से कम चाहे ST का हो, SC का हो, OBC का हो, जनरल का हो, कम से कम बी पार्ट में आपको 35% आपको मार्किंग लाना होगा जब भी आप पास हो पाओगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भी याद रखें, आपको सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करनी है। और सभी योग्यता और अपना मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार यहाँ पर फॉर्म भरे। यहाँ पर जूनियर इंजीनियर के बारे में भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी जानकारी है। जूनियर इंजीनियर का भी जो CBT का टेस्ट होगा 120 मिनट का होगा, और इसमें क्वेश्चन जो 150 होंगे, ये पूरा सिलेबस के अनुसार। मैं फिर बता देता हूँ कि ओपन से जो भर्ती निकलती है RRB और RRC की, उसके अनुसार ही सिलेबस के अनुसार तैयारी करें, ऐसा नहीं सोचें कि इस सिलेबस के अनुसार ही आएंगे, कहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसी अनुसार आप तैयारी कीजिएगा। यहाँ पर ट्रेन मैनेजर की भी वही दे रखे कि 90 मिनट का पेपर होगा और टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। तो ये पूरी जानकारी सभी जोन में एक जैसी है, सिलेबस एक जैसा आ रहा है। और आप देख सकते हो कि फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इस तरह का आपका कास्ट सर्टिफिकेट आप अभी मैं बता देता हूँ कि 2023-24 का आप कास्ट सर्टिफिकेट आप गांव जाते हो, छुट्टी पे जाते हो तो बनवा लीजिए, बन जाता है तो वही लगा दीजिए, अगर बना तो लीजिए, नहीं बनता है तो पुराना वाला लगा दीजिए, परंतु नया जरूर बनाएगा। अगर आप इसमें GDC के फॉर्म में अप्लाई नहीं कर सकते हो कास्ट सर्टिफिकेट, तो आपका जो वेरिफिकेशन होगा पास होने के बाद में तो उसमें भी नया मांगेगा, तो आप अभी से बना लीजिए। OBC का और SST का कास्ट सर्टिफिकेट जरूर यहाँ पर अपलोड करना ही है, तो ये पूरी जानकारी जरूरी है। तो इसी तरह से आप कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनाइए। इसी तरह से यहाँ पर OBC का भी कास्ट सर्टिफिकेट बना दे रखा है फॉर्मेट, तो इसी के आधार पर आप
यहाँ पर जरूर ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट बना लीजिए, छुट्टी लेकर जाइए या घर पर जाते हो तो बना लीजिए, आपको एक महीने का समय है। अगर बनाने भेज दिया, नहीं बना तो पुराना डाल दीजिएगा, परंतु वेरिफिकेशन होगा आपका तो ये जरूर यहाँ पर मांगेंगे वेरिफिकेशन के समय। और आपको यहाँ पर फॉर्म भरते समय इस तरह का यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म जरूर भरना होगा आपको डिक्लेरेशन, इसमें पूरी जानकारी यहाँ पर दे रखी है। ये डिक्लेरेशन फॉर्म भरना अनिवार्य है सभी को, तो इस तरह से ये भरा जाएगा पूरा डिक्लेरेशन फॉर्म आपका, ठीक है, कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट जो भी हो क्या वो सही है, और आप अगर गलत पाए जाते हो तो आप दोषी होते हो। इस तरह का यहाँ पर ये डिक्लेरेशन आपके द्वारा, घोषणा पत्र आपके द्वारा भराया